शादी का लड्डू तो खाना है। अरे चिंता मत कर, तेरी मम्मी पूरा ब्लॉग देखेंगी। कल हमें शायद जाना पड़े न्यूयॉर्क कहीं। मैंने वेन्यू वगैरह इसके बहुत डिफरेंट होते हैं, कोई अलग अलग लोकेशन पे। लोग जानना चाहते हैं खर्चा कितना है। अब आंटी देखो, आंटी देखो, मैं करतब दिखाऊंगी आपको। ये रहा गिलास। हाँ, ये आगरा रखे हम, ताजमहल देखने चलते हैं वहाँ पे। ये ब्रेकिंग न्यूज का रिपोर्टर आपको सिर्फ और सिर्फ बता के रहेगा। कातिया। देखो ये कैसी है, अभी आप इसे देखना आधे घंटे के बाद ये कैसी होके आ जाएगी। यहाँ मम्मी तैयार हो रही है, साइड हो रही है हमारी पैकिंग यहाँ पर, और यहाँ पर इसका चल रहा है मेकअप। एक अटैची हमारी ये वाली तैयार हो गई है, और मैं भी तैयार होने जा रहा हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं शादी में। आपने जो लास्ट ब्लॉग चेकआउट किया होगा उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जयमाला वगैरह परचेज कर रहे थे, तो आज हम शादी में जा रहे हैं और आज हम स्टे करेंगे वहीं पर ही। कल मेहंदी है, मेहंदी का फंक्शन है, और कल है शादी, तो कल हम शादी का पूरा दिखाएंगे। अभी मैं तैयार नहीं हूँ क्योंकि बॉयज़ लोगों को 10 मिनट लगते हैं तैयार होने में। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको पूरा ये शादी का, वेडिंग का पूरा ब्लॉग रहने वाला है, मजा आने वाला है बहुत। और अभी मैं आपको मिलता हूँ तैयार होकर, फिर सीधा निकलते हैं यहाँ से। तो वी आर रेडी। मम्मी यहाँ पे रेडी नहीं हुई है, ताने भी रेडी नहीं हुई। मैं तो बिल्कुल रेडी। एक्चुअली हम दोनों ने देखो, अगर हम दिखाएं अपना आउटफिट तो बिल्कुल सही है, पापा का भी हमारे से मैच कर रहा है बिल्कुल। पापा नहीं जा रहे हैं, पापा आएंगे कल शादी में डायरेक्ट, और यहाँ से निकलते हैं। अभी टाइम हो गया बहुत, क्योंकि आपको पता है मैं तो 5 मिनट तैयार हो गया था, इन्होंने 2 घंटे लगाए तैयार होने पूरे। और झूठ मत बोल ठीक है ना, मेकअप से पहले का लुक देखो। मैं इसको लेने गया था, ये देखो इसको देखो, इनने भी 4 घंटे लगाए। उससे पहले मैं गाड़ी धो रहा था, देखो मैंने नहीं नहीं सुनो सुनो सुनो, मैंने आपको उसका मेकअप का लुक दिखाया ना, मेकअप से पहले कैसी लग रही थी, अब देखो बिल्कुल चेंज। ऐसी मम्मी का लुक देखो यहाँ पे, ये देखो पहचान सकता है कोई। ये पार्लर वालों की बहुत बड़ी गलती है, जितने ब्यूटी प्रोडक्ट बन रहे हैं ना सब बेकार होता जा रहा है। मम्मी नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं लगाया मैंने, नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, सारी नेचुरल ब्यूटी है। इसका चेहरा ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्या लगाया सच से बता, अभी क्या पूछ रही थी कि क्या है, मेकअप रिमूवर क्या फिक्सर? तुम लोगों की जिंदगी मेकअप पे डिपेंड हो रखी है पूरी पूरी, है ना। कौन सी पेन लग रही, उसे कहते हैं विको टर्मेरिक क्रीम। फिलहाल हमने ये पैक कर लिया, कुछ ऐसे पैक करा जैसे हम 4-5 दिनों के लिए जा रहे हो, वैसे हम जा रहे हैं 2 दिन के लिए, बड़ी 4-5 दिनों का सामान है इसमें। फिर चलते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट, जाते हैं इंद्रपुरम, वहाँ पे अपने होटल में जाके चेक इन करते हैं फटाफट, और फिर आज मेहंदी का फंक्शन पूरा एंजॉय करते हैं। एक्चुअली से जाना था 11 बजे आज, और हम जा रहे हैं, अभी रात होने वाली है पूरी, तो इसका जो भ्रम था कि दिन में मेहंदी होती है वो टूट चुका है। मुझे बताया गया था कि दिन का फंक्शन है, ठीक है। अच्छा किसने बताया था? इसकी शादी है, उसी से बात करता। अच्छा मैं बताऊँ, जिसकी शादी है वो भी बहुत बड़ी यूट्यूबर है, उसका लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। जब तक उसकी शादी नहीं हो रही है ना, जब तक भ्रम है उसकी शादी कब होगी, उसको ये नहीं पता रहता कि भाई मेरी मेहंदी कब है। मुस्कान अगर तू वीडियो देख रही हो तो बहन सॉरी। मेहनत और मुश्किलों के बाद हमें होटल मिल चुका है, वो है ये वाला यहाँ पे। ये कंफर्म है ना श्वेता? यार अभी कंफर्म नहीं है, मतलब मुझे जो बोला गया है कि यही है। तेरी फ्रेंड की शादी है या नहीं है? मुझे नहीं पता उसकी शादी है, उससे पूछ लियो। वो अभी खुद नहीं आई, उसने कहा कि तुम लोग जाओ अंदर और तुम लोग देखो। इसकी जो फ्रेंड है ना, मैं आपको सच बताता हूँ, वो लगता है शायद पहली बार शादी कर रही है, उसको पता नहीं है कि कैसे होती है क्या नहीं, इतना उसने कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखी है। ये देखो ये है वो चेहरा जिसने हमें बहुत परेशान कर रखा है। तेरी शादी कब है ये बता दे। मुझे लग रहा है ये पहली बार शादी कर रही है इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूज है, ऐसे ही है ना कुछ, है ना। दो चार बार कर ले एक्सपीरियंस हो जाएगा थोड़ा। पहले बता ये कैसे चेंजेस कैसे हुए तेरा यहाँ पर इस होटल, फिर दोबारा कहीं और जाना है? बहुत लॉन्ग स्टोरी है। अच्छा दूल्हा कभी है पक्का, लॉक कर दें वो भी सस्पेंस है अभी। हाँ तो मैं जो करता हूँ, एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है हमारे साथ, ये अभी हम सेल्फी वगैरह लेंगे आपके साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ गिव अवे वगैरह कर दियो हमारी ऑडियंस को भी, ठीक है। जब कोई प्रोग्राम होता है तभी बंदा कोई ऐसे तैयार हो गया था, जैसे कि ये देखो सूट शर्ट पहन के, यहाँ साड़ी पहन ली है, ये देखो यहाँ पे घाघरोनी चोली ये पहन के आई है, ये देखो ये। लेकिन अभी ताजा अपडेट मैं आपको बताऊं, एक ब्रेकिंग न्यूज, एक कमरे के अंदर सिर्फ मेहंदी लगेगी, आज का सिर्फ यही कार्यक्रम रहेगा क्योंकि कल है शादी और कल ये है हल्दी, तो हल्दी के बाद होगी शादी, कल होगा मेरे ख्याल से मेन फंक्शन, आज का कुछ गारंटी नहीं है कि खाना भी है या नहीं, हो सकता है कि आज हम भूखे यहाँ पर सोएं सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। तो मैं आपको पल पल की खबर इस ब्लॉग में देता रहूंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ। आखिर अगर ये ब्राइड नहीं बन पाई तो देखना, मैं इसको बताऊंगा। अभी तो मैं कंफ्यूज हूँ, ये लास्ट में ना कहते ओह शिट कपीश सॉरी यार यू आर नॉट माय हस्बैंड टू बी, एक्चुअली हमारा प्लान दूसरे होटल में था, वहां पे हम जाके दूसरा दूल्हा देखेंगे। मुस्कान अगर ये ब्लॉग देखेगी
कसम से किलिंग किलिंग होगा। लेकिन मैं तब डालूंगा, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं तब डालूंगा जब तेरी शादी हो जाएगी, जब तू तो हनीमून पे कहीं बाहर होगी तो मुझे मार वार भी नहीं सकती, तो थोड़ा मैं तब अपलोड करूंगा इसे। ठीक है, हाँ ये आगरा रखे, हम ताजमहल देखने चलते हैं वहाँ पे। ये चाय पीजिए, सोचते सोचते थक गए होंगे आप। तानिया चाय नहीं पी? अच्छा देखो तानिया कॉम्बो, देखो तानिया चाय भी पिएगी, लेमन सोडा भी पिएगी। आंटी मैडम बोलो बोलो, अब ये बता रही है मम्मी को चाय में नहीं नहीं पान डाल के कैसे, ये एक्सपेरिमेंट करके बताएगी। हाँ अब आंटी देखो, आंटी देखो मैं करता दिखाऊंगी आपको। ये रहा गिलास, ये दोस्त की शादी है और ये लोग मेहंदी लगवा रहे हैं। कुछ ही घंटे बाकी है, उसके बाद फिर आप साजन के घर जाना है। मिक्स्ड फीलिंग है, खुश भी हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ। नर्वस किस लिए? रोना भी आ रहा है, मम्मी से दूर, फैमिली से दूर। चलना सच से बताओ, हम तो कैंडल रुक गए अभी 2-3 साल और ये इसी को जाके जल्दी ले लेंगे। कपीश को बोलनी चाहिए कि मैं थोड़ा नर्वस हूं, मैं डरा हुआ हूं। मुस्कान फाइनली आ रही है घर पे। नहीं कपीश बोल रहा था ऑफ द कैमरा, उसने बोला है कि भाई मैं नर्वस हूं। कोई नर्वस नहीं है, वो सरप्राइज है, सरप्राइज है सब कुछ, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में पता रहेगा। ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, कुछ सरप्राइज मैंने प्लान करे हैं, कुछ सरप्राइज परफॉर्मेंस है, मे बी डांस हो, क्या हो, सो स्टे ट्यून्ड। इसे खुद नहीं पता, भी बताएगी ये सोचेगी आज रात, फिर ये बताएगी। ऑल द बेस्ट और एकदम आतंक काट देना मौली। आतंक कहाँ पे? कपीश की वोट लगा देना। कुछ कहना चाहते हैं आप इसके मुस्कान के लिए? ऑल द बेस्ट मुस्कान, एंड अच्छे से वहाँ पे रोला तार ससुराल में जाके मस्त एकदम। मेरा इसका एग्रीमेंट साइन हुआ है, कितने का? 5 लाख है ना हमारी टोटल फुटेज का, सब कैंसिल है, अब कोई चांस नहीं है। देख लाइट भी चली गई इसीलिए, ये एक साइन कर रही है। मौसम भी खराब हो, शादी का लड्डू तो खाना है। आए आए आए, चिंता मत कर, तेरी मम्मी पूरा व्लॉग देखेंगी। पहले इसकी मम्मी से पूछा गया, इसकी मम्मी ने बोला नहीं नहीं हमारी लड़की तो बिल्कुल राजी नहीं है, अब यहाँ देखो लड्डू खाना है। नहीं तूने एक महीने प्रैक्टिस करी ना कि रोना कैसे है, जिसने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी कि एक्ट्रेस रोती कैसे है, है ना ऐसी कुछ है, कैसे रोए, कैसे इमोशनल हुए, ये दर्द तुम नहीं समझते। चिंता मत कर, इसके बाद 13 नंबर लगना है, दर्द हम समझेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमें गाजियाबाद वैशाली में, कल हमें शायद जाना पड़े न्यूयॉर्क कहीं, मैंने वेन्यू वगैरह इसके बहुत डिफरेंट होते हैं, कोई अलग अलग लोकेशन पे, तो कल का डिसाइड करेंगे। टिल देन अभी इसका थोड़ा फोटोशूट चल रहा है, वो मैं आपको शेयर करूंगा, बाकी इसके लिंक पे जाके चेकआउट करना। और अभी मैं आपको एक खास बंदी से मिलाता हूँ, वो जानना चाहते हैं खर्चा कितना है। खर्चा कितना है, आपने कितने का करा, सब कुछ आप बताओ। अभी इसके लग रही है मेहंदी और अभी हम जा रहे हैं उसके रूम में जो इसका होने वाला टू बी है। अच्छा डॉग को डॉग नहीं बोले तो क्या बोले? कुत्ता। लेकिन उसका नाम भी तो है कुछ, क्या बोलना है? डॉलर डॉलर। अच्छा डॉलर है वो। हाँ हाँ हाँ, क्या बोलना है डॉग को? कुत्ता। बार बार निकलेगा मुझसे वही कुत्ता। नहीं अब ध्यान रखो सब, कुत्ते को डॉलर बोलना है, ठीक है? अच्छा डॉलर डॉलर तो बोलना है। ये हम आए मॉली। अरे मेन, ये है मेरी सबसे अच्छी दोस्त, सारी दोस्त जो मेन पर्सन है उनसे हम आपको मिलवाते हैं। कपीश भाई मुस्कान आई है मिलने। So he's the one. नहीं मजाक कर रहे थे हम लोग, आप लोगों से मिलने आए हैं। Okay. भाई सबसे पहले तो congratulations आपको। Thank you so much. ठीक है, और कैसा फील कर रहे हो आप अभी? बहुत excited हूँ। बहुत ज़्यादा। किस चीज़ के लिए? शादी के लिए? To be with Muskan forever. शादी के क्या प्लान्स है? क्योंकि हमें कुछ पता लगा है, हम शेयर करेंगे ब्लॉग आने के बाद। आपके क्या प्लान्स है आप बता सकते हैं? शादी के प्लान में कुछ नहीं बता रहा हूँ, इट्स अ सरप्राइज, धमाका होने वाला है। कल शादी है, क्योंकि मुस्कान के प्लान हमें लग रहा है सब टेंटेटिव थे, क्योंकि होटल पहले कुछ और था, अब कुछ और हुआ, वो सब कुछ अलग चल रहा था। मैंने उससे पूछा, मैंने क्या अपने भाई कपीश भाई कंफर्म है ना, तो अभी पता लगा मुझे कंफर्म है। चलो भाई बेस्ट ऑफ लक, मैं आपको शक्ति वरदान दे सकता हूँ, शक्ति का। हमें पता है मुस्कान इज वेरी सुपर टैलेंटेड और हम जानते हैं कि वो किस तरीके से आपको बहुत खुश रखेगी।
ये हैं हमारे सबसे मेन स्पेशल पर्सन। अगर आप वो प्लान बता सके हमें तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी। ना तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। अच्छा, आपको भी नहीं पता कि दोनों में से क्या प्लान हो रहे हैं उनके? मुझे कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। ये सिर्फ सरप्राइज है। हां, सरप्राइज है इन दोनों का। हमें क्या मिला ये सवाल पूछने पे? हमें मिली पानी की बोतल और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स जो कि बहुत अच्छी चीज है। जवाब हमें अभी नहीं मिला, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले मैं खोलूंगा वो सरप्राइज। ठीक है, तो मैं आपको बता के रहूंगा कि क्या सरप्राइज है। ओहो, देखो हमारा इंतजार नहीं करा इन लोगों ने और पहले खाना स्टार्ट कर दिया। ये हमारा खाना आया है, मटर पनीर, दाल, राजमा और सैलेड्स हैं, चपातीज हैं, पूड़ी हैं, ये दाल है, कुछ चने हैं, चावल भी हैं, सब कुछ एवरीथिंग। तो हमारा खाना यहाँ पे सब हो गया है। वक्त हो गया है, रात के 12 बज चुके हैं करीबन, और मुस्कान की मेहंदी लग रही है, कबीश के भी अभी मेहंदी लगेगी, सो बहुत डिले होगा अभी। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग सुबह एक फ्रेश स्टार्ट मॉर्निंग करें। अभी हम इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, कल आपको दिखाएंगे नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट व्लॉग कि क्या कुछ इनका सरप्राइज है, क्या कुछ प्लान है, ये लोग क्या छिपा रहे हैं हमसे। आज की रात में पता करूंगा, कल सुबह आपको बताऊंगा। ये ब्रेकिंग न्यूज का रिपोर्टर आपको सिर्फ और सिर्फ बता के रहेगा। कातिया चांसेस सुना है तो जाग जाइए। व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना क्या कुछ हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे कनेक्टेड। ओके, बाय बाय बाय।